वेलकम टू StudyIQ। आज के इस वीडियो के द्वारा हम रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के सब्जेक्टिव कॉम्प्रिहेंशन पैटर्न को नोटिस करेंगे। सब्जेक्टिव कॉम्प्रिहेंशन आपके अन्य ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन से थोड़ा डिफरेंट होता है। अंतर ये है कि आपको यहाँ पर ऑप्शंस नहीं मिलेंगे, लेकिन आपको खुद पैसेज के अंदर से आंसर को खोज कर अपने ही शब्दों में लिखना होता है। तो आज का फोकस जो रहेगा वो सब्जेक्टिव कॉम्प्रिहेंशन के पैसेजेस पर रहेगा। ये ऑफकोर्स एक फ्री वीडियो कोर्स है। आप हमारी वेबसाइट studyiq.com पे जाके जो अन्य कोर्सेज हैं, जैसे कि SSC बैंक के एग्जाम्स के लिए, टीचिंग एग्जाम्स के लिए, आप इन सारे कोर्सेज की सारे कोर्सेज की इन्फॉर्मेशन हमारी वेबसाइट पे देख सकते हैं। आप हमारे को फाउंडर को टाइलर सोल के नाम से इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, या आप डॉक्टर गौरव गर्ग ढूंढ के भी उन्हें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे जैसा कि हम लोगों ने कहा, आज मेन फोकस सब्जेक्टिव कॉम्प्रिहेंशन पे रहेगा। सब्जेक्टिव कॉम्प्रिहेंशन मतलब कि आपको कोई ऑब्जेक्टिव आंसर चॉइसेस नहीं दिए जाएंगे। अगर एक क्वेश्चन पूछा गया है तो उस क्वेश्चन के आपको MCQs नहीं दिए जाएंगे, लेकिन आपको अपने ही शब्दों में जो आपने इन्फर किया है पूरे पैसेज को पढ़ने के बाद, आप उसके बारे में उसी से ही आंसर्स लिखते हैं, राइट? तो आज का मेन फोकस सब्जेक्टिव कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस पे रहेगा। आपको कुछ चीज़ें याद रखनी है। ये पैसेजेस बिल्कुल उस तरह के हैं जैसे कि हम लोग स्कूल में एग्जाम्स देते थे, जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के ऊपर होते थे, RC के ऊपर होते थे, जिसमें हमें एक पैसेज दे दिया जाता था और साथ ही साथ में कुछ क्वेश्चंस दिए जाते थे जिनमें ज़्यादातर ऑप्शंस नहीं होते थे। और यहाँ पर आपको आपको कोई ऑप्शंस नहीं दिए जाते हैं, अनलाइक दी ऑब्जेक्टिव आंसर चॉइस पेपर्स, आपको खुद से आंसर्स लिखने होते हैं। आइडियली ये रिकमेंडेड है कि आप कट कॉपी पेस्ट करिए नहीं। आपको अगर पैसेज में कहीं आंसर मिल गया है तो आप एज इट इज आंसर को लिखिए नहीं, लेकिन अपने ही शब्दों में आंसर्स को लिखने की कोशिश कीजिए। साथ ही साथ में अगर आपको कोई वर्ड मीनिंग पूछा गया है, क्योंकि यहाँ पर आपको ऑप्शंस नहीं दिए जाएंगे क्योंकि ये सब्जेक्टिव कॉम्प्रिहेंशन है, तो आपको याद रखना है कि आप सिर्फ उस वर्ड का मीनिंग जो आपको पता है वही नहीं लिख रहे हैं, लेकिन जो कॉन्टेक्स्ट से डिराइव हो रहा है, व्हाट एवर इज एविडेंट फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट, जो भी उत्तर आपको कॉन्टेक्स्ट से पता चलता है, आपने वही उत्तर वर्ड मीनिंग वाले क्वेश्चन के अंदर लिखना है। अवॉइड करिए कि आप लिटरल मीनिंग लिख रहे हैं उस शब्द का, आपको कॉन्टेक्स्ट में जो मीनिंग है उसी मीनिंग को ही लिखना होगा। अब अगर हम आज का पैसेज देखते हैं, आप कमेंट सेक्शन पे लिख सकते हैं कि ये पूरे के पूरे सेंटेंस का क्या मतलब है, राइट? क्योंकि जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि आपकी RC जितनी ज़्यादा स्ट्रांग, तभी आपकी RC तभी स्ट्रांग होगी जब आप समझ पा रहे हैं, जब आप इन्फर कर पा रहे हैं, जब आप साइफर कर पा रहे हैं, जब आप किसी चीज़ को अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं, तो यही ये चीज़ देख रहा है। तो आप अपने कमेंट सेक्शन पे लिख सकते हैं कि इस पर्टिकुलर वाक्य का क्या मतलब है, और ये वाक्य है, व्हाट एरिस्टिक डिसिप्लिन दे ब्रॉट टू देयर सायोलेस्टिक क्विबल्स दो प्रोन टू ओकेजनल बर्स्ट ऑफ रोडोमोंटेड, राइट? ये वॉशिंगटन पोस्ट का एक पर्टिकुलर सेंटेंस है। आप ऑफकोर्स हम टूवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो इसको डिस्कस भी करेंगे, लेकिन आप कॉमेंट सेक्शन पे लिख सकते हैं जो भी मतलब आपको इस पर्टिकुलर सेंटेंस का समझ में आ रहा है, राइट? अब अगर हम आज का पैसेज फॉर द डे देखते हैं, तो ये पैसेज सब्जेक्टिव कॉम्प्रिहेंशन वाले क्वेश्चंस पूछेगा। आई वेंट टू बेड विद मिक्स्ड फीलिंग्स अबाउट द रेनी डे, दो इट हैड इनिशियली स्टार्टेड वेल विद कूल ब्रीजेस एंड द ड्रॉपलेट्स आउटसाइड माई विंडो, गेटिंग टू स्कूल वॉज एन अनकंफर्टेबल एक्सपीरियंस, ड्यूरिंग द फ्री पीरियड्स वी मिस्ड द ब्राइट sunshine when we used to run about in the playground. Towards the evening, the electricity went off for a few hours and I could not do my homework. The next day, the papers reported that many people faced hardships while traveling. तो यहाँ पर आपको first passage से ही पता चल चुका है कि बारिश के एक दिन के बारे में बात किया जा रहा है, rainy day के बारे में बात हो रहा है, rainy day के बारे में जो author है उनके mixed feelings हैं। Mixed feelings मतलब कि positive, negative दोनों हैं। Positive क्यों है? क्योंकि obviously रेनी सीजन जो है वो काफ़ी ज़्यादा उत्साह लेके आता है, हैप्पीनेस लेके आता है, कूल ब्रीजेस हैं, ड्रॉपलेट्स आउटसाइड द विंडो हैं, इसलिए ऑथर काफ़ी खुश हैं। लेकिन प्रॉब्लम मिक्स्ड फीलिंग्स क्यों है? क्योंकि उनको स्कूल पहुंचने में दिक्कत हुई, साथ ही साथ में उनके फ्री पीरियड्स में वो बाहर जाके खेल नहीं पाए, राइट? और साथ ही साथ में उनको सनशाइन भी नहीं दिखी, और एंड में वो अपना होमवर्क भी नहीं कर पाए, राइट? तो काफ़ी सिंपली ये पूरा का पूरा पैसेज आपको फर्स्ट पैराग्राफ में बता रहा है कि ऑथर के मिक्स्ड फीलिंग्स हैं। अब अगर हम आगे बढ़ते हैं,
trains are delayed and taxis were charging. So hamara jo last sentence tha wo ye tha, the next day the papers reported that many people faced hardships while traveling. Papers mein report bhi hua ki kya kya dikkatein aayi logon ko. Trains are delayed and taxis were charging higher rates than usual at the station, but there are different seasons, so we may be in touch with the rhythm of nature. It also makes it possible for us to appreciate what we otherwise take for granted, right? तो यहाँ पर जो रिपोर्ट का विवरण है वो बताया गया है. ये भी बोला जा रहा है कि दिक्कतें आई हैं, लेकिन हमें पता होना चाहिए अबाउट रिदम ऑफ नेचर. रिदम की अगर हम बात करते हैं तो रिदम जो शब्द है ये ग्रीक शब्द रिदमोस से आता है. ये ग्रीक शब्द जो है रिदमोस उससे आता है, और इस ग्रीक शब्द रिदमोस का मतलब है मूवमेंट, इसका मतलब है फ्लो, इसका मतलब है साइकिल ऑफ थिंग्स, इसका मतलब है बीट. तो एक तरह का अगर फ्लो बन रहा है, मूवमेंट बन रही है, बीट बन रही है, साइकिल ऑफ थिंग्स हो रही है, बार बार कोई चीज़ हो रही है, फ्लो में हो रही है, उसे हम रिदम कहते हैं. तो रिदम ऑफ नेचर इसका मतलब है कि नेचर में हर एक चीज़ें हैं. आपकी सर्दी भी है, रेनी सीजन्स भी है, बारिश का मौसम है, तो ये सारे के सारे मौसम आपके हैं, राइट. इट ऑल्सो मेक्स इट पॉसिबल फॉर अप्रिशिएट वॉट वी अदरवाइज टेक फॉर ग्रांटेड. टेक फॉर ग्रांटेड एक्चुअली एक ईडियम है जिसका मतलब है कि हम अंडर एस्टिमेट करते हैं, कई बार अंडर वैल्यू कर लेते हैं, हम अप्रिशिएट नहीं कर पाते हैं, हमें लगता है कि ये हमारे पास है तो वी टेक इट फॉर ग्रांटेड, राइट. तो ये चीज यहां पर बोली जा रही है. द रेन एंड रेनी डेज इफेक्ट पीपल इन डिफरेंट वेज एट डिफरेंट टाइम्स. एलेक्सेंडर फ्रैटर्स बुक चेजिंग द मॉनसून गिव्स अ ग्राफिक अकाउंट ऑफ द वे द मॉनसून इफेक्ट्स पीपल्स लाइव्स अक्रॉस इंडिया. तो यहां पर यह बताया जा रहा है कि अलग अलग तरीकों से लोगों की लाइफ इफेक्ट होती है, जैसे कि एलेक्सेंडर फ्रैटर ने अपनी किताब में भी बोला है. In places which have a heavy monsoon, rainy days are a way of life and people prepare for the season by stocking up provisions and buying rain gear. However, in recent times, the rain has been playing ट्रूएंट. ट्रूएंट का क्या मतलब होता है? ये हम लिखते हैं लेकिन प्रोनाउंस करते हैं ट्रू एंट की तरह. इसका मतलब होता है एब्सेंटी, नॉन लाइक आप प्रेजेंट नहीं है. सो एब्सेंटी जो हो जाता है उसका मतलब होता है ट्रूएंट, राइट. हाउएवर इन रीसेंट टाइम्स द रेन हैज बीन प्लेइंग अ ट्रूएंट, मतलब रेन ज्यादातर नहीं आती है. With the climate change staring us in the face globally, it could well be that the beauty of the rain will be a thing of the past. ये at the end क्या बता रहे हैं, पहले शुरू हुआ था rainy day पे mixed feelings के माहौल से, लेकिन end तक आते आते आपका author आपको क्या बता रहा है कि ये चीज़ें, क्योंकि climate change इतनी ज़्यादा तेज़ी से हो रहा है तो ये चीज़ें thing of the past भी हो जाएंगी. तो यहाँ पर ये जो passage है ये एक previous year का question paper है आपके exam का. अब हम यहाँ पर देख रहे हैं तो ये दिखने में काफ़ी सिंपल पैसेज है, लेकिन यहाँ पर हमें याद रखना है कि ये हमें सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखना है और किस तरह से हम उनके आंसर्स लिखेंगे वो चीज़ भी हम इस वीडियो से सीखेंगे. अगर हम क्वेश्चंस देखते हैं, मेंशन थ्री प्रॉब्लम्स दैट द राइटर फेस्ड ऑन द रेनी डे. तो अगर हम पैसेज को रिविजिट करते हैं तो पहले ही पैसेज में हमें इसका आंसर मिल जाता है. प्रॉब्लम्स क्या क्या ऑथर को होती हैं? एक तो उनको स्कूल जल्दी जाने में दिक्कत होती है, फिर सेकेंडली वो अपने फ्री पीरियड्स के अंदर ब्राइट सनशाइन को मिस करते हैं और वो बाहर नहीं जा पाते हैं, और साथ ही साथ में उनको अपना होमवर्क करने में दिक्कत होती है. तो हमारे पास तीन चीज़ें क्या हैं उनको जो प्रॉब्लम हुई है? तीन चीज़ें ये है कि एक तो वो स्कूल के लिए लेट पहुँचते हैं ऑथर, सेकेंडली हम लोगों ने क्या देखा है, सेकेंडली हम लोगों ने देखा है ऑथर को क्या दिक्कत हो रही है कि वो अपने फ्री पीरियड में बाहर खेलने नहीं जा पाते हैं, और थर्डली हम लोगों ने क्या देखा है, थर्डली हम लोगों ने देखा है कि ऑथर को दिक्कत हो रही है अपना होमवर्क कंप्लीट करने में. अब इसे सब्जेक्टिवली हम कैसे लिखेंगे? आप इसे अपने शब्दों में फ्रेम करना है, दैट द थ्री प्रॉब्लम्स इनकाउंटर्ड बाय द ऑथर, या फिर द थ्री प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय द ऑथर आर दैट ही रीच लेट इन स्कूल, ही रीच लेट एट स्कूल, ही मिस द फ्री पीरियड बिकॉज ही कुड नॉट प्ले, एंड ही कुड नॉट डू हिज होमवर्क बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी नॉट बींग प्रेजेंट. तो आपको अच्छी तरह से अपने शब्दों में मेन पॉइंट्स को इंक्लूड करते ही अपने ही लैंग्वेज में आंसर लिखना है. यहाँ पर आपको कॉपी पेस्ट नहीं करना है पैसेज के अंदर से, लेकिन आपने आइडेंटिफाई करना
करना है कि उस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या है और उसके बाद आपने अपनी शब्दों में लिखना है। अगर हम एग्जाम्पल देखते हैं तो द राइटर इनकाउंटर्ड प्रॉब्लम्स इन रीचिंग द स्कूल। हम लोगों ने देखा था कि पहली दिक्कत ऑथर को आई थी कि वो स्कूल टाइम पे नहीं पहुंच पाया। ही मिस्ड द सनशाइन इन द फ्री पीरियड्स एंड कुड नॉट प्ले एंड साथ ही साथ में ही कुड नॉट मैनेज टू डू हिज होमवर्क ड्यू टू द इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम्स। तो आपने अपने शब्दों में तीनों के तीनों पॉइंट्स का विवरण कर दिया है। काफ़ी ज़्यादा बार क्वेश्चन उठते हैं कि क्या हमें इनको पॉइंट फॉर्म्स में लिखना चाहिए। आइडियली अगर हम इंग्लिश की बात करते हैं तो जितना ज़्यादा हो सके आप अगर अपने आंसर्स को पैराग्राफ्स में लिख रहे हैं तो वो बेटर रहता है। तो यहाँ पर अगर आप पॉइंट फॉर्म को अवॉइड करके इस तरह से जैसे कि आपको यहाँ पर दिख रहा है वैसे लिखें तो ये बेटर फॉर्मेट माना जाएगा। अब अगर हम एक और क्वेश्चन को देखते हैं तो ये है विच थ्री डिफिकल्टीज डिड द न्यूज़पेपर रिपोर्ट द नेक्स्ट डे। ऐसी कौन सी तीन डिफिकल्टीज हैं जो न्यूज़पेपर ने रिपोर्ट करी। अब अगर हम दोबारा पैसेज को रिविजिट करते हैं तो पहले ही पैसेज के फर्स्ट पैराग्राफ के एंड में ही हमें इसका उत्तर मिल रहा है। द नेक्स्ट डे द पेपर्स रिपोर्टेड दैट मेनी पीपल फेस्ड हार्डशिप्स व्हाइल ट्रैवलिंग। एक तो लोगों को चलने में दिक्कत, ट्रैवलिंग में दिक्कत हुई। सेकेंडली ट्रेन्स डीले हो गई। थर्डली टैक्सीज जो थी वो ज़्यादा चार्ज कर रही थी। तो आपका क्या क्या पॉइंट्स आ रहे हैं यहाँ पर। एक तो लोगों को ट्रैवल करने में दिक्कत हुई, राइट, पीपल फेस प्रॉब्लम्स इन ट्रैवलिंग। सेकेंडली हम लोगों ने क्या देखा कि द ट्रेन्स गॉट डीलेड, राइट। एंड थर्डली हम लोगों ने क्या देखा, थर्डली ये देखा कि टैक्सी ड्राइवर्स वर चार्जिंग मोर, राइट। तो हम लोग अगर दिख रहे हैं द डिफिकल्टीज एन्यूमरेटेड इन द पैसेज या फिर द डिफिकल्टी faced by the people as reported in the newspapers were that they encountered problems in traveling, they faced problems with delayed trains, also the taxi drivers overcharged, right? तो यही तीन जो आपके पॉइंट्स है पहले आपने आइडेंटिफाई करना है और उसके बाद लिखना है। अगर हम देखते हैं किस तरह से हम इस आंसर को लिख सकते थे, the newspaper reported about the problems faced by people while traveling. It also captured the problems of train being delayed, how the taxi drivers charged more than usual, right? So सारा कुछ है कि कैसे लोगों को ट्रैवलिंग में दिक्कतें आई, कैसे ट्रेन्स डीले हो गई और किस तरह से टैक्सी ड्राइवर्स ने ज्यादा चार्ज किया। तो तीनों के तीनों पॉइंट्स जो हैं वो आ गए हैं। और जैसा कि हम लोगों ने पिछले उत्तर में भी कहा कि इंग्लिश के सब्जेक्टिव कॉम्प्रिहेंशन को आप जितना ज़्यादा पैराग्राफ फॉर्म में लिखेंगे उतना बेटर रहेगा, लेकिन पॉइंट फॉर्म में भी आप लिख सकते हैं, लेकिन ये बेटर रहता है। अब अगर हम दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं, यहाँ पर आपको केयरफुल रहना है क्योंकि यहाँ पर आपने जो पैसेज के अंदर मीनिंग निकल रहा है फ्रेज का या वर्ड का आपने वही चीज़ लिखनी है। तो एक्सप्लेन द टर्म्स मिक्स्ड फीलिंग्स। मिक्स्ड फीलिंग्स हमें पहले ही पैसेज में मिल जाता है और जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस किया था पहले ही पैराग्राफ में मिल जाता है, आई went to bed with mixed feelings। और तभी हम लोगों ने कहा था कि mixed feelings का क्या मतलब है, by part positive by part negative, right? Partly positive, partly negative, दोनों तरह की feelings, right? ये जो phrase है ये actually mixed emotions के नाम से भी जाना जाता है। और इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है that the author had mixed emotions, that means he was partly positive and partly negative about the weather। लेकिन mixed feelings का सिर्फ अगर हम meaning देखेंगे तो इसका मतलब होता है मिक्स्ड इमोशंस, बाय पार्ट नेगेटिव, पार्टली नेगेटिव एंड पार्टली पॉजिटिव। रिदम ऑफ नेचर, जैसा कि हम लोगों ने कहा था कि रिदम का मतलब है फ्लो ऑफ नेचर, साइकिल ऑफ थिंग्स, राइट। रिदम ऑफ नेचर, साइकिल ऑफ नेचर, फ्लो ऑफ नेचर, मूवमेंट ऑफ नेचर, बीट ऑफ नेचर, ये सारे के सारे आपके रिदम ऑफ नेचर के मीनिंग होंगे। टू अप्रिशिएट वॉट वी अदरवाइज टेक फॉर ग्रांटेड, ये टेक फॉर ग्रांटेड जो है ये आपका idiom है और इसका मतलब होता है कि जब आप अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, अंडर वैल्यू कर रहे हैं, तो इसका मीनिंग हम कैसे लिखेंगे, टू अंडर एस्टिमेट और टू अंडर वैल्यू समथिंग, राइट। जब आप प्रॉपरली रिकग्नाइज नहीं कर पाते हैं या अप्रिशिएट नहीं कर पाते हैं व्हेन यू आर टेकिंग समथिंग फॉर ग्रांटेड, राइट, तो ये इसका मतलब हो जाता है। इस तरह से आप इन तरह के क्वेश्चन जो वोकैबुलरी वाले क्वेश्चन हैं उनको आप आंसर कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन को अगर हम देखते हैं, हाउ डू पीपल लिविंग इन एरियाज विद हैवी मॉनसून प्रिपेयर फॉर इट। तो ये भी हमें लास्ट पैराग्राफ में मिल जाता है कि वो लोग जो हैवी मॉनसून एरिया में रहते हैं वो कैसे इसके लिए प्रिपेयर करते हैं। वो प्रिपेयर करते हैं बाय स्टॉकिंग अप प्रोविजंस एंड बाइंग रेन गेयर। तो दो तरह से, एक तो वो अपने पहले ही खाने का तैयारी करके रखते हैं, स्टॉक अप करके रखते हैं, और साथ ही साथ में उनके पास रेन गेयर भी होता है जो उन्हें बारिश से बचाता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं ये
डायरेक्ट क्वेश्चन था, ये हमें मिल भी गया. सो पीपल लिविंग इन हैवी मॉनसून एरियाज आर वेल प्रिपेयर्ड विद स्टॉक्स ऑफ प्रोविजंस एंड रेन गियर, राइट. तो ये हम लोगों ने देखा, इजिली हम लोगों ने आंसर को लिख दिया है, राइट. अब ऑफकोर्स जब हम देख रहे हैं ये अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, तो ये भी फ्रेज वाला क्वेश्चन है, हमें पैसेज को ही ध्यान में रखते हुए आंसर देना पड़ेगा. Find words in the passage which mean the same as at the beginning. At the beginning की अगर हम बात करें, अगर हम passage को revisit करते हैं, ये of course आपके exam में तो आ चुका है, लेकिन ये थोड़ा सा simpler passage है, तो हमें पता चलता है at the beginning initially. ये अगर passage को हम देख रहे हैं तो initially जो है उसका मतलब क्या हो जाएगा, उसका मतलब हो जाएगा at the beginning. तो हमें ये clearly दिख रहा है that at the beginning initially है जो हम passage से ले रहे हैं. Give an account of something heard, seen or done. तो इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है reported, और ये हमें passage में मिल भी रहा है, इसका उत्तर है reported, right. Visual symbols के लिए जो शब्द use हुआ है वो है graphic. passage के अंदर जो शब्द है वो है graphic. graphic जब आप graphic details देते हैं, visual details देते हैं. reported जब कुछ भी घटना घटी है, जो आपने देखी है, सुनी है या हुई है, उसके बारे में आप बताते हैं, तो वो reported होता है, और इनिशियली फ्रॉम द बिगिनिंग. तो यहां पर आपको जो चीज सी गई है, आपको उसके शब्द का उत्तर पैसेज से निकाल के देना है. अब हम लोगों ने जब पैसेज को स्टार्ट किया था, उससे पहले हम लोगों ने कहा था कि आप कमेंट सेक्शन पे लिख सकते हैं क्या इस पर्टिकुलर वाक्य का मतलब है. अब अगर हम इसे डिकोड करते हैं, व्हाट एरिस्टिक डिसिप्लिन दे ब्रॉट टू देयर सायोलेस्टिक. सो इसको, ये जो शब्द है, इसको एक्चुअली आप प्रोनाउंस कैसे करते हैं, इसे आप प्रोनाउंस करते हैं सायोलिस्टिक की तरह. सायोलिस्टिक क्विबल्स दो प्रोन टू ओकेजनल बर्स्ट्स ऑफ रोडोमोंटेड. अब ये जो शब्द, ये पूरा का पूरा जो सेंटेंस है, ये एक्चुअली एक प्रसिद्ध आपके वॉशिंगटन पोस्ट जो है उसमें आया था. एलेक्सेंड्रा पेट्री करके बहुत ही फेमस राइटर हैं वहाँ की, उन्होंने ये पूरा का पूरा आर्टिकल लिखा था, एलेक्सेंड्रा पेट्री ने. और ये जो इन्होंने पूरा आर्टिकल लिखा था, ये बता रहा था कि किस तरह से जो इलेक्शन लड़ते हैं, स्पेशली ये डोनाल्ड ट्रंप के बारे में बात हो रही थी, और किस तरह से ये जो सारा का सारा इलेक्शन कैंपेन होता है, ये सिर्फ और सिर्फ इन्फ्लेटेड रेटोरिक पे बेस्ड होता है, मतलब ज़्यादा बातचीत लोग करते हैं, राइट. और अगर आप अपनी हमारी वोकैबुलरी की सीरीज़ को फॉलो कर रहे हैं, तो आपको ये आसानी से इस पूरे के पूरे सेंटेंस का मतलब भी पता चल जाता. अब अगर हम इसे पार्शली डिकोड करते हैं, व्हाट एरिस्टिक, एरिस्टिक का मतलब होता है एक ऐसा चिड़चिड़ा जैसे बंदा हम कहते हैं, एरिस्टिक पर्सन. एरिस्टिक का मतलब होता है जो बार बार डिबेट, आर्ग्यूमेंट करने पे आतुर होता है, डिबेट करने पे आतुर होता है, आर्ग्यूमेंटेटिव होता है. कोई भी ऐसा जो इंसान है, वो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम एरिस्टिक कहते हैं. व्हाट एरिस्टिक डिसिप्लिन दे ब्रॉट टू देयर सायोलिस्टिक. सायोलिस्टिक का मतलब होता है बहुत ही सुपरफिशियल, बहुत ही सुपरफिशियल, कोई भी उसमें कोई डेप्थ नहीं होती है. हम लोग इसे कह भी सकते हैं फ्रिवलिस, बहुत ही ज्यादा जो जिसे कहते हैं सुपरफिशियल, कोई उसमें डेप्थ नहीं है. सायोलिस्टिक क्विबल्स, क्विबल्स का क्या मतलब होता है, क्विबल्स का मतलब होता है आर्ग्यूमेंट, राइट. छोटा सा ऑब्जेक्शन करना, छोटा सा क्रिटिसिज्म दे देना, सो क्विबल का मतलब होता है आर्ग्यूमेंट. दो प्रोन टू ओकेजनल बर्स्ट्स ऑफ रोडोमोंटेड. रोडोमोंटेड का मतलब क्या होता है, जब आप अपना ही गुणगान कर रहे हैं. और ये शब्द आपने हमारी वोकैबुलरी सीरीज के थ्रू भी सीखा होगा, जिसमें सेकंड पार्ट में रोडोमोंटेड का मतलब बताया गया था. रोडोमोंटेड का मतलब होता है कि आप बहुत ही ज्यादा वेन है. वेन मतलब आप अपनी तारीफें करते रहते हैं, अपना ही गुणगान गाते रहते हैं, आप एम्प्टी बूस्टिंग करते हैं, राइट. सो व्हाट एरिस्टिक डिसिप्लिन दे ब्रॉट टू देयर सायोलिस्टिक क्विबल्स दो प्रोन टू ओकेजनल बर्स्ट्स ऑफ रोडोमोंटेड. तो एलेक्सेंड्रा पेट्री ने ये बोला था, जो लोग इलेक्शंस करते हैं वो सिर्फ और सिर्फ हॉलो रेटोरिक बोलते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ अपने भाषण देके चले जाते हैं, लेकिन कोई काम ज़्यादा नहीं करते हैं, और ये अनफॉर्चुनेट चीज़ है, राइट. तो ये पूरा का पूरा जो एलेक्सेंड्रा पेट्री ने ये लिखा था, वो इन चीज़ों के बारे में था. यहाँ पर आपको डिटेल में मीनिंग्स भी दिख रहे हैं. एरिस्टिक का मतलब है एक ऐसा व्यक्ति जो डिबेट और आर्ग्यूमेंट करता रहता है. सायोलिस्टिक, ये लिखा जाता है ऐसे, लेकिन इसे हम प्रोनाउंस
अनाउंस कैसे करते हैं, साइलिस्टिक बोलते हैं. साइलिस्टिक का मतलब होता है सुपरफिशियल, फ्रिवलिस, एकदम सुपरफिशियल इंटरेस्ट होना, बहुत ही एमेच्योरिश, बचपना जैसे हम कहते हैं, राइट. क्विबल का मतलब होता है आर्ग्यूमेंट करना, ऑब्जेक्शन, क्रिटिसिज्म करना. और रोडोमोंटेट का मतलब है एम्प्टी बूस्टिंग, बिना कोई मतलब के आप जब अपनी खुद के गुणगान गाते रहते हैं, बूस्ट करते रहते हैं, उसे रोडोमोंटेट कहा जाता है. सो आज के वीडियो से डेफिनेटली आपने थोड़ा बहुत लर्न किया होगा कि किस तरह से आपकी अप्रोच रहनी चाहिए सब्जेक्टिव आंसर्स की तरफ. एक जो टिप आपने याद रखनी है कि आंसर्स को खोजिए, लेकिन आंसर्स को कॉपी पेस्ट करके मत लिखिए. अगर सब्जेक्टिव है, आप कोशिश कीजिए कि आप उन्हें अपने ही शब्दों में लिख पा रहे हैं.